यार गोकुल, तू तो कह रहा था कि ये कमरा अनमोल चीजों से भरा पड़ा है, और मुझे भी लगा कि कुछ बढ़िया से हीरे और जवाहरात देखने को मिलेंगे, मगर यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इन चीजों की कीमत जानने के लिए पारखी की निगाहें चाहिए, समझे? ये बाबा आदम के जमाने की बेशकीमती अनमोल चीजें हैं। यार तू कहता है तो ये बेशकीमती चीजें हो भी सकती हैं। हो सकती है, अरे ये अनमोल खजाना है, पर इनमें से कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं जितनी कीमती वो चीज है जो अभी अभी मैंने हासिल की है। जर्मनी का अद्भुत चमत्कार। अद्भुत चमत्कार? हाँ, तुमने जॉन हरमन का नाम सुना है? वो तो कोई ज्योतिषी था ना? कोई छोटा ज्योतिषी नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी। उसमें ये गुण था कि वो इंसान की शक्ल देखकर बता सकता था कि उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है, यहाँ तक कि उसने अपनी मौत की तारीख अपने मरने के 12 साल पहले ही बता दी थी। क्या बात कर रहा है यार? हकीकत है ये, इसीलिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, नेता और अभिनेता उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। इतना महान ज्योतिषी था वो? बहुत महान ज्योतिष। और अब तुम ये देखो, ये तो एक मामूली सा चश्मा है। मामूली सा चश्मा? ये कोई मामूली चश्मा नहीं, जॉन हरमन का चश्मा है। मैं बहुत सालों से इसे ढूंढ रहा था लेकिन कहीं मिला नहीं, तो अभी एक नीलामी में न्यूयॉर्क में मैंने इसे $212,000 में खरीदा है। $212,000? उछलो मत। $212,000 की इस चश्मे के सामने कोई अहमियत नहीं। ये चश्मा नहीं, करिश्मा है। करिश्मा अपने आप में एक अनमोल खजाना। अलादीन का चिराग के इस चश्मे के सामने पानी भरता है, समझे? दिखाओ पत्ते, शो शो। पत्ते अच्छे थे प्रताप, लेकिन दिन बुरे चल रहे हो तो पत्ते बेचारे क्या करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी पत्तों की तरह बुरे नहीं। ये 100 रुपए रखो, दोनों जाकर कहीं खाना वाना खा ले। ए बस, क्या कर रही? कैलाश से 100 रुपए क्यों ले लिए? क्यों ले लिए? खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे क्या? देख देख महेश, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक खाना हजम नहीं होगा, बता देता हूँ। ला 100 रुपए, छोड़ ला, वहाँ ला इधर। यार ओके, मैं 2000 बनाता हूँ अभी। सुनो, 100 रुपए ये 7 नंबर। यस, योर लकी नंबर इज 7। यस, 7 तारीख ये लकी नंबर है। मैं 7 तारीख को पैदा हुआ था, 7 तारीख को मैं इस क्लब में आया था, 7 तारीख है आज। जल्दी नोट कीजिए। यस, आगा नंबर 32। हो गए ना तसल्ली? लगा दिए सब पैसे? अब पानी पी के सोना पड़ेगा। महेश, घबराता क्यों? मेरे पास कल मैं पल्ली दीवार में बैठा था ना लगाने के लिए, वहाँ एक अमीर घर का नौकर मिला था मुझे, बड़े काम की घबराहट लगी है। क्या? वो बता रहा था कि जहाँ वो नौकर है वो लोग बड़े अमीर हैं, और सारे लोग बाहर गांव गए हुए हैं, और सारे के सारे नौकर एक हफ्ते तक छुट्टी मनाने वाले हैं, घर में ताला लगा रहेगा। मैंने उस घर का गली नंबर, प्लॉट नंबर, एड्रेस पूरा ले लिया है। आज रात ही ताला तोड़कर पूरे घर को साफ कर देंगे। आगे। 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 आगे।
धन कस है, घर में कचरा भर के रखे है। उस कमरे में सिर्फ 10-12 हजार रुपए मिले हैं। तो ठीक है था यार, तो ताला तोड़ने में इतना टाइम लगा। पुरानी किताबें बनकर भीख मांगने के लिए क्या है? मेरा ये हाथ मत लगाना है, बोल रहा हूँ जब पहनूंगा तो जल जाएगा, ये देख। कोई भी नहीं है। अबे यहाँ कोई ना कोई है जरूर, मैंने अपनी आंखों से एक वॉचमैन को देखा है। देख महेश, इसके पहले कि यहाँ कोई आ जाए अपन लोग यहाँ से खिसक लेते हैं। ज्यादा लालची मत, चल। ये सब चीज उठा कर तो लेकर आए, लेकिन अब इसका करे क्या यार? महेश ये देख, और ये सब बेच कर अपने पास 20-25 हजार रुपए आ ही गए समझो। अब मैं एक 5-स्टार होटल में बेहतरीन कमरा बुक करूंगा और मैं उसमें रहूंगा। क्या कहा? पहले भी चूहे में सारे पैसे आ चुका है। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, तू एकदम पागल हो गया है। ए पागल नहीं, ये देख ये देख, ये इधर ला। मैं वहां अमीरों की तरह रहूंगा, एकदम सूटेड बूटेड। मेरे कमरे के आजू बाजू बड़े बड़े अमीर पैसे वाले मालामाल लोग आके रहेंगे। मालूम है जब ये पैसे वाले 5-स्टार में आकर ठहरते हैं तो जब अपने कमरों से बाहर जाते हैं तो अपने कमरों को ताले नहीं लगाते। और जैसे ही ये अपने कमरों को छोड़कर बाहर जाएंगे या स्विमिंग करने जाएंगे, मैं उनके कमरे में घुसकर उनका कमरा साफ कर दूंगा एकदम सफा। वेलकम सर, ये है आपका रॉयल सूट सर। मुझे यकीन है ये स्वीट आपको बहुत पसंद आएगा सर। गुड, वेरी गुड, बेटर देन हिमालय पैलेस। थैंक यू सर। ओके, नाउ कीप दिस। थैंक यू सर। यू कैन गो। राइट सर, हैव अ नाइस टाइम सर। थैंक यू। टीवी, इतना बड़ा टीवी, वाह वाह वाह, क्या बात है।
गद्देदार बिस्तर। क्या बात है, चिन्ना चिन्ना बिस्तर, अब जरा मुहत होके काम पे लगा जाए। वाह, क्या बाथरूम है, फाइव स्टार बाथरूम। मैं भी देख रहा हूं, यहां तो कुछ भी नहीं। आओ देखता हूं। सर, सर, अंदर तो कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से लाश देखी है। नो सर, आप प्लीज खुद देख लीजिए, आइए। खुद देख लो, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। एक मिनट पहले ही मैंने इस पंखे से लाश लटकते हुए देखी है। हाँ, वो आदमी सफेद शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था यही। लेकिन सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई लाश नहीं है यहाँ। देखिए मैंने क्या दिखाया, मैं जानता हूँ, इस कमरे में यही इस पंखे से लाश लटक रही थी। ओह, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा, मुझे मुझे तुरंत दूसरा कमरा दीजिए, मुझे तुरंत दूसरा कमरा चाहिए। दूसरा कमरा? हाँ सर, शायद ये तो मुमकिन नहीं होगा। क्या, बाकी के सारे कमरे फुल हैं? फिर सर यहाँ कोई गड़बड़ भी तो नहीं है? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है सर। मुझे आप दूसरा कमरा देते हैं, मैं होटल बदलूं। ठीक है सर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेकंड फ्लोर पे एक नया कस्टमर आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपना सूट आपके साथ बदल ले। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं नीचे इंतजार करता हूँ, और जैसे ही कमरे की व्यवस्था हो जाए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी बहुत बेहतर, तुम जाकर उससे बात करो। ये आदमी मालामाल लगता है, पता नहीं किस कमरे में ठहरा है। कमरा नंबर पता चल जाए तो आज ही सारा कमरा साफ। माफ कीजिए सर, जरा देर हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक वैसा ही हो गया है जैसा कि आप चाहते थे। वो दूसरे सूट वाले साहब भी मान गए हैं और आपके सूट में शिफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो अपना कमरा देख लीजिए सर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बहुत आराम मिलेगा सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, उस कमरे में पंखे से लटकती हुई लाश मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, बस चले। यस सर। ओके चलो। अल्फोंस, हमारा नया ग्राहक जिसे हमने अभी अभी इसी सूट में शिफ्ट किया। ये आवाज तो उसी कमरे से आ रही है। तो मैं यहाँ ये पूछना आई थी सर कि इन्हें कोई कपड़ा प्रेस कराना है या नहीं, मगर जब मैं आई मैंने मैंने देखा कि इसी तरफ उनके से लटके हुए थे सर।
वही आदमी है, वही सफेद शर्ट, ग्रे ट्राउजर, मैनेजर मैंने तुमसे कहा था ना, ओ अब तो आपको यकीन आ गया ना। का मतलब यहाँ जो हुआ उसका आपको दो घंटे पहले से पता था? ये कैसे हो सकता है? हमारी समझ में तो नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? अमीरों को लूटने का सारा प्लान चौपट हो गया मेरा, लेकिन मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कितना हुआ? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? अरे ये अभी अभी मैंने एक्सीडेंट देखा यहाँ पे। क्यों भाई? सुबह सुबह पीकर आया गया? अरे नहीं भाई, एक कार और एक मोटर बाइक, और मोटर बाइक उस आदमी के ऊपर। देख अभी तक तो यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन अगर तू यहाँ बीच चौराहे पर खड़ा रहा तो तेरा एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, समझा? और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, तू खुद हो। अरे अरे भाई प्रताप, मैं महेश, तुम मेरे घर पे हो प्रताप? प्रताप तुम्हें तुम्हें क्या हो गया था प्रताप? महेश महेश मैं बेहोश हो गया था यार, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यार। होटल के रहा था, मैं चिल्लाया, जब लोगों ने आके वहाँ देखा तो वहाँ कोई लाश नहीं थी, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने हवलदार को सब कुछ बताया तो वहाँ सड़क पैसा कुछ भी नहीं था यार। अरे प्रताप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे दिमाग कहीं भटक गए हैं प्रताप। प्रताप ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या बस? कल जरा देखते हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे तुमने तुमने मुझे बताया था, लेकिन दो घंटे पहले कैसे पता चला? हो सकता है एक इत्तेफाक है। नहीं यार, इत्तेफाक नहीं, दो घंटे। हाँ बिल्कुल ठीक, दो घंटे। मैंने जब उस आदमी को पंखे से लटका हुआ देखा, ठीक वैसा ही दो घंटे बाद हुआ। और जब मैंने एक्सीडेंट देखा था, अब ठीक दो घंटे बाद ये एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब भविष्य में दो घंटे बाद होने वाली घटना को मैं देख सकता हूँ। मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये महज एक इत्तफाक है। कोई कैसे जान सकता है कि दो घंटे बाद क्या होने वाला है? यार इत्तफाक एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। अब फिर मुझे कभी कभी भविष्य क्यों दिखता है, हर बार क्यों नहीं दिखता? अचानक मुझ में ये शक्ति कहां से आ जाती है? ये चश्मा, महेश ये चश्मा, मैंने दोनों बार ये चश्मा पहना हुआ था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? ये तो एक मामूली सा चश्मा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? नहीं महेश, ये मामूली चश्मा नहीं, ये चश्मा मैंने जब जब पहना मेरी आंखों के आगे धुंधला धुंधला हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखें खराब हो गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चश्मा ही मुझे भविष्य दिखाता है महेश। एक मिनट एक मिनट, आज का अखबार कहाँ है? उसमें हम लोगों की हुई चोरी की खबर छपी है ना? हाँ। चल लिया वस्तुओं के संग्रहकर्ता श्री गोकुल दास के घर में हुई चोरी का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। नकदी और दूसरी वस्तुओं की चोरी के अलावा श्री गोकुल दास उस कीमती चश्मे के बारे में ज्यादा चिंतित है जो जर्मनी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता जॉन हरमन का बताया जाता है। इसका मतलब यह है, इन घटनाओं के पीछे
ये चश्मा एकमात्र कारण है और इसके बारे में पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कैसे? महेश, आज शाम हम लोग थ्री एशेस क्लब चलते हैं। ट्राई योर लकी नंबर, ट्राई योर लकी नंबर, ट्राई योर लकी नंबर, एक घंटे का 20 रुपए मिलेगा। ट्राई योर लकी, फास्ट फास्ट, हरी अप, लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए, बस अब कोई नहीं लगाएगा, बस कोई नहीं लगाएगा। क्या कर रहे हो यार? चार नंबर को नौ नंबर बता रहे हो? लगता है तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है कैलाश। नजर तो मेरी पहले कमजोर थी, अब अच्छी हो गई है। अरे प्रताप, प्रताप मेरे, अरे मेरे प्रताप मेरी बात तो सुनो। अरे अरे प्रताप, ये सब क्या चक्कर है तुम्हारा? हा? तुम तो कह रहे थे नौ नंबर जीतेगा और यहां तो चार नंबर जीता। नौ नंबर भी जीतेगा महेश, लेकिन ठीक दो घंटे के बाद। जैसे ही चक्री नौ नंबर पर रुकी, मैंने चश्मे से देखा, वैसे ही मैंने अपनी घड़ी देखी, घड़ी में ठीक 9:30 बजे थे। दो घंटे के बाद यानी कि 11:30 बजे चक्री नौ नंबर पर ही रुकेगी। महेश, तू एक काम कर, फौरन घर चला जा और अपने चोरी के जितने रुपए रखे हुए हैं, वो कुछ 15,000 रुपए हैं, वो यहाँ ले आ, मुझे 11:30 बजे 9 नंबर पर लगाने हैं। सर पैसे यहाँ लेकर रह जा, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम क्या समझते हो, पागल हो गए क्या तुम? सब पैसे लेके आ जा। जितना कहता हूं उतना ही कर, जल्दी घर जा और सारे पैसे ले आ, मुझे 11:30 बजे 9 नंबर पर लगाने हैं, जा। लगाइए लगाइए, चलिए, 1 रुपए का 20 रुपए मिलेगा, 1 का 20 रुपए मिलेगा, 1 का 20 रुपए। 15,000 मेरा 9 नंबर पर। 15,000? हाँ 15,000। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, एक अकेले 9 नंबर पे 15,000 रुपए लगा रहे हो, पैसों से दुश्मनी है क्या? एलन, तुम मेरे 15,000 9 नंबर पर लगा रहे हो क्या? हाँ या ना? इस गेम में हमने इतनी बड़ी रकम कभी नहीं लगाई, मालूम है? अगर 9 नंबर जीत गया तो हमें 3,00,000 रुपया देना होगा। क्यों, डर गए? ठीक है, तुम्हारे 15,000 रुपए 9 नंबर पर लग गए, फिर घुमाओ चक्री। यार महेश, एक महीने में अपने क्या ठाट हो गए यार, और ये सब कुछ इस चश्मे की बदौलत। अरे प्रताप, मुझे भी ये चश्मा देना है, मैं भी एक टाइम पहन के देखूं। याद रख, ये चश्मा सिर्फ मेरा है।
और वैसे भी तुमको प्रॉब्लम क्या है? देख, अपन जो भी पैसा कमाते हैं आपस में बांटते हैं। हाँ, मैंने बंगला लिया, तुम्हें एक बढ़िया सा फ्लैट तो दिलवाया ना। यस, हाँ? वैसे तुम चाल में रहते तो उससे अच्छा है ना। देख, अपना ये पैलेस कोई राजा महाराजा से कम नहीं, किंग ऑफ मिथिला की तरह है। ये बात तो ठीक। अरे महेश, 10 बज गए, चलो क्लब चलते हैं यार। महेश यार, तेरा तेरा चश्मा पहन के आज बता दे मेरा लक्की नंबर क्या है यार। प्लीज यार, महेश यार प्लीज, मेरे लिए। ओके, मुझे मार डालेगा कि किसी जगह कौन हो सकता है कि वो आदमी है जिसके हाथ में ब्रेसलेट है? कौन मुझे मारना चाहता है? कौन हो सकता है मेरा दुश्मन? क्लब, हाँ क्लब, कहीं क्लब का ही तो कोई नहीं। वहां सबको पता है मैंने बहुत रुपए जीत लिए हैं। हो सकता है कोई वहीं का हो जो मुझे मारना चाहता है। कौन हो सकता है ये ब्रेसलेट वाला आदमी? कहते तो साथ आ जाते यार। क्या हाल चाल है प्रताप साहब? ठीक है यार, तू कैसा है यार? सब ठीक है ना? सब ठीक है यार, सब ठीक है। तुम लोग खेलो यार, मैं क्लब में घूम लेता हूँ। कौन हो सकता है? पता नहीं कौन मेरा दुश्मन बन गया। कौन है वो जो मुझसे चलता है? कहीं ये तो नहीं। बारह बजे के पहले अगर मैंने उस ब्रेसलेट वाले आदमी को नहीं ढूंढा तो मेरी मौत तो निश्चित है, क्योंकि मैंने चश्मे में अब तक जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सच हुआ है। मेरी मौत भी सच होगी, मुझे ऐसा लगता है। वक्त निकलता जा रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब यह क्या करना है? जो आए हो यहां, तुम पहले ही यहां से काफी रुपया जीत कर ले जा चुके हो। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, अब मैं तुम्हें यहां कोई भी गेम खेलने नहीं दूंगा, समझे? यार ऐसी बात क्यों कर रहा हो? मैं यहां खेलने थोड़ी आया हूं, बस देखने आया हूं, देख रहा हूं। सिर्फ देखना। ये लेन मुझसे बहुत जलता है, क्योंकि मैंने बहुत रुपए जीते हैं इस क्लब से। कहीं वो ब्रेसलेट वाला आदमी यही तो नहीं? इसके हाथ में ब्रेसलेट तो नहीं? एलन, एलन, मुझे तुम्हारा हाथ देखना है, तुम्हारी कलाई। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपनी कलाई पे ब्रेसलेट पहनते हो ना? अब बकवास कर रहे हो तुम? भाग लोगे क्या? मुझे अपना ब्रेसलेट दिखा दो। देखो क्या तुम बोल रहे हो? देखो मैं एलन कह रहा हूँ, मुझे तुम अपना
भेज दे वरना काट के फिकवा दूंगा। चलो आप लोग चलो, खेलो खेलो खेलो। यहाँ तो किसी ने ब्रेसलेट नहीं पहना है, वो आदमी कौन है जो मुझे मार डालना चाहता है? अब तो वक्त भी बहुत कम है, मैं क्या करूं? सिर्फ एक घंटा, सिर्फ एक घंटा, ठीक 12 बजे मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। अरे अरे प्रताप, क्या हुआ आज इतनी जल्दी जा रहा है? कैलाश, अरे अबे रो क्यों रहा है? हार गया क्या? अरे तो परेशानी की क्या बात है बे, अब तो तू बहुत मालामाल हो गया है। मैं क्या बताऊं कैलाश, कैसे बताऊं, बस थोड़ी देर में मैं, अबे क्या थोड़ी देर लगा रखी, रिलैक्स, चल थोड़ी देर, चल सिगरेट पी। कैलाश कैसे बताऊं, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। चल पागल हो गया, चल सिगरेट, शायद एक घंटे के अंदर। चुप, चल सिगरेट पी। तू सिगरेट। ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में? हाँ, ये ब्रेसलेट ये मुझे मेरी बीवी ने दिया है, एनिवर्सरी प्रेजेंट। कैसा है? तुम ही हो आदमी, तुम ही हो ब्रेसलेट वाले आदमी। कैलाश, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे तुम तो हमेशा जीवन में जीतते आया हूँ। मैं तुझे क्यों मारूंगा? मैं जानता हूँ कैलाश, मैं जानता हूँ, मेरी मैं ये ब्रेसलेट पहचानता हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरी बात सुन प्रताप, मुझे मारना चाहते हो कैलाश? एक मिनट प्रताप, मैं नहीं रुकूंगा। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी मौत निश्चित है। मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ, बहुत दूर। खराब है आपके लिए। अब देखिए ना, एक के बाद एक गेम हार रहे हैं आप। कैलाश जी, आज आपका ध्यान कहीं और है। हाँ महेश, अब मुझे खेलना बंद ही कर देना चाहिए, पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। कहीं जाना भी है मुझे, कुछ काम है। भाई एक दो बाजी और हो जाती शायद पलट जाते पत्ते। अरे नहीं भाई, आज पत्ते पलटने का कोई चांस नहीं है। आज मेरा एक हाथ सीधा नहीं पड़ रहा है, वैसे भी जल्दी में हूँ, एक जरूरी काम कर। अरे काम वाम तो होते रहते हैं कैलाश साहब, अभी तो क्लब बंद होने में बहुत टाइम बाकी है। नहीं यार महेश, आज नहीं। अरे कैलाश साहब, एक और बाजी हो जाए। अरे यार फिर कभी। अरे कैलाश साहब, अभी तो सिर्फ 11:30 बजे है। 11:30 ठीक है, मैं जल्दी वापस। मुझे जल्दी प्रताप के पास पहुंचना होगा और कोई चारा नहीं है।
मैं ऐसा नहीं करता प्रताप, मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन मजबूरी थी, आना पड़ा। कैलाश, मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अगले 2 घंटे के भविष्य के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। 2 घंटे आगे का भविष्य, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और क्या कहा तुमने? तुम जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? मुझे मारने आया हो प्रताप। क्या कर, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैलाश, तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें वो मौका ही नहीं दिया। तुम्हारे इस खतरनाक इरादे के बारे में मैं 2 घंटे पहले से जानता था। ओ महेश, ये सब क्या है प्रताप? महेश, ये कैलाश, ये मुझे मारने आया था, लेकिन मैंने ही इसे उड़ा दिया। ये देखो, जानते हो महेश, मैंने अपने चश्मे में अपनी ही लाश देखी। एक ब्रेसलेट वाला आदमी मुझे गोली मार रहा है। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन ब्रेसलेट पहचान गया, और वही ब्रेसलेट कैलाश ने पहनी हुई है। ये देख, ये दिखाता हूं तुझे। ब्रेसलेट नहीं है यार। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? महेश, मैं तुम्हें सुनता नहीं छोड़ूंगा। प्रताप, तू 2 घंटे आगे की भविष्यवाणी करता था ना, लेकिन अपनी मौत की भविष्यवाणी करने में तूने बहुत भूल कर दी। ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? अभी आधा घंटा पहले कैलाश, ये ब्रेसलेट मुझसे हार गया था, और ये भला आदमी तो तुमसे पैसे मांगने आया था, तुम्हारा खून करने नहीं। तो मैंने जिस ब्रेसलेट वाले आदमी को देखा था, वो तुम हो। हाँ, तू हमेशा मुझे जलील करता रहा और बात बात पर मुझे डांटता रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने मुझे इस चश्मे को छूने तक नहीं दिया, लेकिन अब ये चश्मा मेरा है। मेरा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।